तो अभी तक हम लोगों ने लॉगिन और साइनअप का एंड पॉइंट तो बना लिया है। यहाँ पर हम लॉगिन कर सकते हैं, यहाँ पर हम साइनअप कर सकते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी है कि यार अगर मैं लॉगिन वगैरह कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये जो अलर्ट है ये बिल्कुल अच्छे से नहीं आ रहा है, जो कि मुझे अभी फिक्स करना है। तो अगर आप लोगों को याद हो तो टेक्स्ट यूटिल्स रिएक्ट के अंदर हम लोगों ने एक अलर्ट कंपोनेंट बनाया था, तो मैं क्या करूँगा इसी अलर्ट कंपोनेंट का इस्तेमाल करूँगा और अपने कोड में लेकर आऊँगा। तो मेरा जो अलर्ट कंपोनेंट है, जो कि मेरा आने वाला है कंपोनेंट्स के अंदर जो मैंने अलर्ट बनाया है वहाँ पर, तो आप देखो मेरे पास एक तो प्रॉप्स डॉट अलर्ट में भेज रहा हूँ, और अलर्ट का एक टाइप है और अलर्ट का एक MSG है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर भी कंसिस्टेंट बनानी पड़ेगी। अपनी ऐप डॉट JS के अंदर मैं क्या करूँगा, एक स्टेट बनाऊँगा। हालाँकि आप एक कॉन्टेक्स्ट ज़रूर बना सकते हैं अलर्ट का, बट यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि एप्लीकेशन इतनी कॉम्प्लेक्स है कि मुझे एक कॉन्टेक्स्ट बनाना पड़े अलर्ट के लिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जल्दी से आऊँगा और जो मेरा ऐप डॉट JS है उसके अंदर आकर जिस तरह से मैंने यहाँ पर ऐड अलर्ट वगैरह मैंने कुछ ना कुछ ये बनाया, मैंने शो अलर्ट, तो अलर्ट के लिए मैं यूज़ स्टेट यूज़ करूँगा। अलर्ट सेट अलर्ट इज़ इक्वल टू यूज़ स्टेट नल, और यहाँ पर रिएक्ट के अंदर से मुझे लेकर आना पड़ेगा, क्या मुझे लेकर आना पड़ेगा रिएक्ट के अंदर से यूज़ स्टेट को, ठीक है। तो इम्पोर्ट यूज़ स्टेट फ्रॉम रिएक्ट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इम्पोर्ट यूज़ स्टेट फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया, यहाँ पर सेव करूँगा, और उसी के साथ साथ जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाया है शो अलर्ट नाम का एक फंक्शन, यहाँ पर मैं बनाऊँगा शो अलर्ट नाम का फंक्शन। और अब मुझे कभी भी अलर्ट लगाना होगा, मुझे अलर्ट शो करना होगा, तो मैं यहाँ पर मैसेज और टाइप कर दूँगा, दे दूँगा अलर्ट का, और यहाँ पर जो है फिर उसके बाद अलर्ट गायब हो जाएगा। तो यहाँ पर एक, यहाँ पर मैंने शो अलर्ट नाम का फंक्शन बना दिया, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देता हूँ, और मैं क्या करूँगा कि होम को दे दूँगा शो अलर्ट, ठीक है। शो अलर्ट इज़ इक्वल टू शो अलर्ट। अब मैं होम कंपोनेंट के अंदर आऊँगा और यहाँ से मैं नोड को दे दूँगा शो अलर्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉप डिलिंग ज़रूर कर रहा हूँ, और इसी से बचने के लिए हम कॉन्टेक्स्ट API का यूज़ करते हैं, ठीक है। बट अभी के लिए मैं यहाँ पर इसको इससे इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है। तो अब यहाँ पर मुझे मिल गया है क्या, मुझे यहाँ पर शो अलर्ट मिल गया है अपने इस नोट्स के अंदर, ठीक है। और उसी के साथ साथ अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाऊँ लॉगिन और साइन अप कंपोनेंट, तो उनको भी मैं दे दूंगा शो अलर्ट, ठीक है। तो आप ये जो शो अलर्ट इज इक्वल टू शो अलर्ट है, ये लॉगिन और साइन अप को भी दे सकते हैं। तो मैं लॉगिन को देता हूँ सबसे पहले और साइन अप को देता हूँ। अब मैं यहाँ पर जब साइन अप कर रहा हूँ या मैं जब लॉगिन कर रहा हूँ तब मैं यहाँ पर शो अलर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अलर्ट इनवैलिड क्रेडेंशियल्स देने से अच्छा मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा प्रॉप्स डॉट शो अलर्ट, और शो अलर्ट के अंदर मुझे दो चीज़ें देनी है, एक तो मैसेज देना है, एक टाइप देना है। मैसेज में क्या दूंगा, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, और उसी के साथ साथ टाइप क्या होगा इसका, डेंजर, ठीक है, टाइप डेंजर होगा। तो मैं यहाँ पर टाइप को डेंजर लिख देता हूँ, और प्रॉप्स मुझे यहाँ पर लाने होंगे प्रॉप्स इस तरह से, ठीक है। या आप डिस्ट्रक्चरिंग करके भी निकाल सकते हो, बट मैं डिस्ट्रक्चरिंग करके नहीं निकाल रहा हूँ अभी, यहाँ पर प्रॉप्स डॉट शो अलर्ट, ठीक है। और यहाँ पर एक बार मैंने रीडायरेक्ट कर दिया कि अगर सक्सेसफुली कोई साइन अप कर रहा है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा सक्सेसफुली क्रिएटेड योर अकाउंट, अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली लिख देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा सक्सेस, ठीक है। तो अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली और प्रॉप डॉट शो अलर्ट सक्सेस, और लॉगिन के अंदर भी यही काम करेंगे। यहाँ पर प्रॉप्स मैंने यूज़ कर रखे हैं, और यहाँ पर मैं लिखूँगा लॉग्ड इन सक्सेसफुली, ठीक है। तो लॉग्ड इन सक्सेसफुली यहाँ पर मैंने कर दिया और सक्सेस कर दिया। और यहाँ पर जिस तरह से मैंने इनवैलिड क्रेडेंशियल्स किया था वो मैं यहाँ पर भी कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर इनवैलिड डिटेल्स लिख दूंगा मैं, क्योंकि जब कोई साइन अप कर रहा है और नहीं कर पा रहा है तो मैं इनवैलिड डिटेल्स लिखना चाहूँगा। ये कह रहा है अलर्ट इज़ नॉट एक्सपोर्टेड फ्रॉम कंपोनेंट अलर्ट। ओके, तो यहाँ पर दिक्कत ये आ रही है कि मैंने इसको डिफॉल्ट एक्सपोर्ट किया है, तो मैं जब इम्पोर्ट करूँगा तो इसको कुछ इस तरह से इम्पोर्ट करूँगा, अलर्ट को ऐसे नहीं, ऐसे अलर्ट को इम्पोर्ट करूँगा, ठीक है। तो अब ये देखो ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कह रहा है अलर्ट इज़ नॉट एक्सपोर्टेड, फेल टू कंपाइल, शो अलर्ट इज़ नॉट डिफाइंड, कहाँ पर, होम डॉट JS में, होम डॉट JS में शो अलर्ट इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर प्रॉप्स लिखना होगा, दिस डॉट प्रॉप्स नहीं, प्रॉप्स, और यहाँ पर लिखना पड़ेगा डिस्ट्रक्चरिंग वाला सिंटेक्स,
शो अलर्ट को मैं निकाल रहा हूँ प्रॉप्स में से, ठीक है। और मैं यहाँ पर लिखूंगा कॉन्स्ट शो अलर्ट इज इक्वल टू प्रॉप्स, ठीक है। हाँ ठीक है, तो मैं लॉग इन अगर कर रहा हूँ यहाँ पर, मैंने सबमिट पर क्लिक किया तो यहाँ पर मुझे अलर्ट नहीं दिखा, विच इज़ अ प्रॉब्लम। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ अपनी ऐप डॉट जे एस को, तो अलर्ट मैसेज इज इक्वल टू ये दिया हुआ है मैंने, मैं सिर्फ अलर्ट लिखूँगा यहाँ पर। और अब मैं अगर यहाँ पर लॉग इन करूँ और यहाँ पर मैं सबमिट करूँ तो मुझे अलर्ट नहीं दिख रहा है, विच इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। देखते हैं यहाँ पर कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो आप लोग देख सकते हो कि अलर्ट को मैं इस तरह से यूज़ कर रहा था, अलर्ट अलर्ट इज इक्वल टू अलर्ट, तो मैं बिल्कुल ऐसे ही यूज़ करूँगा अपनी ऐप डॉट जे एस के अंदर से। तो मैं अगर कुछ ऐसा करूँ और इसको सेव कर दूँ, अलर्ट अलर्ट इज इक्वल टू अलर्ट करूँ, तो अब मुझे अलर्ट दिखना चाहिए। तो मैं इसको बंद करता हूँ, लॉग इन करूँगा और यहाँ पर देखो लॉग इन सक्सेसफुली। अब मान लो मैं साइन अप करने की कोशिश कर रहा हूँ गलत डिटेल्स के साथ, मान लो मैंने कुछ कुछ यहाँ पर डाल दिया और मैं साइन अप कर रहा हूँ, देखो इनवैलिड डिटेल्स, डेंजर लिखकर क्यों आ रहा है, डेंजर इनवैलिड डिटेल्स। ओके, तो चलो ठीक है, डेंजर लिखकर आ रहा है, बट मुझे एरर उसको करना चाहिए था, डेंजर नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पर मैसेज और टाइप टाइप आ रहा है यहाँ पर, और टाइप को मैं इधर भी दिखा रहा हूँ। तो हम इस फंक्शन के अंदर आ सकते हैं और हम कह सकते हैं कि इफ़ वर्ड इज़ इक्वल टू डेंजर, तो क्या करो वर्ड को चेंज करके एरर कर दो, ठीक है। तो मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ वर्ड इज़ इक्वल टू एरर, ठीक है। और इसके बाद इसको मैं कैपिटलाइज कर सकता हूँ। तो अगर अब मैं यहाँ पर आऊँ साइन अप करूँ गलत से, तो ये देखो एरर इनवैलिड डिटेल्स आ गया, ठीक है, विच इज़ गुड, ठीक है। और अगर मैं लॉग इन करता हूँ, लॉग इन करने के बाद मैं जैसे सबमिट करूँगा तो देखो लॉग इन सक्सेसफुली आ गया। तो ये अलर्ट वाला सिस्टम तो हमारा बहुत बढ़िया काम कर रहा है, ठीक है। तो ये भी अच्छा हो गया। अब मैं यही सारे अलर्ट जो है यहाँ पर डिलीट करते वक्त और एडिट करते वक्त यहाँ पर भी रखना चाहूँगा। तो जहाँ जहाँ मैं अपडेट कर रहा हूँ और जहाँ जहाँ पर मैं डिलीट कर रहा हूँ नोट्स को, वहाँ पर भी मैं इनको यूज़ करना चाहूँगा। किनको यूज़ करना चाहूँगा, ये जो अलर्ट्स हैं मेरे, ठीक है। तो मैं यहाँ प्रॉप्स लेकर यहाँ पर भी प्रॉप्स डॉट शो अलर्ट कर दूंगा। तो मैं लिखूँगा प्रॉप्स डॉट शो अलर्ट, और शो अलर्ट का पहला जो आर्ग्यूमेंट है वो है मैसेज, और मैं लिखूँगा अपडेटेड सक्सेसफुली, और जो दूसरा आर्ग्यूमेंट है वो टाइप है, ठीक है। टाइप क्या होगा, टाइप हो जाएगा यहाँ पर सक्सेस, ठीक है, सक्सेस हो जाएगा। और जैसे ही मैं डिलीट करूँगा, डिलीटेड सक्सेसफुली मैं कहूँगा, और जैसे ही मैं और काम करूँगा जैसे कि ऐड करूँगा, तो एडेड सक्सेसफुली मैं कर दूँगा। अब देखो यहाँ पर ऐड नोट है, इसको भी मैं शो अलर्ट दे देता हूँ, शो अलर्ट इज इक्वल टू प्रॉप्स डॉट शो अलर्ट, ठीक है, इसको भी मैंने शो अलर्ट दे दिया। वैसे आइडियली मुझे एक अलर्ट कॉन्टेक्स्ट बनाना चाहिए था जहाँ पर मैं सारे के सारे अलर्ट्स को रख सकता था, बट अगेन अगर बहुत आपकी बड़ी एप्लीकेशन नहीं है तो थोड़ी बहुत प्रॉप डीलिंग हम कर भी सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ऐड नोट पर भेज दिया है इसको, और डिलीट नोट कहाँ पर है मेरा, मैं ये देख रहा हूँ कि यार जब भी डिलीट हो रहा है नोट, जैसे यहाँ पर एडिट हो रहा है नोट, तो मैं यहाँ पर नोट आइटम को भी शो अलर्ट भेजूंगा, शो अलर्ट इज इक्वल टू प्रॉप्स डॉट शो अलर्ट, ठीक है। और नोट आइटम के अंदर मैं आऊँगा यहाँ पर प्रॉप्स डॉट शो अलर्ट लिखूंगा, जैसे ही ऑन क्लिक इज इक्वल टू अपडेट नोट मैंने किया है, अपडेट नोट नोट, और इसी के साथ साथ डिलीट नोट मैंने किया है। तो यहाँ पर जो मैंने अपडेट नोट लिखा था उसका क्या हुआ, अपडेट नोट इज इक्वल टू करंट नोट सेट नोट। तो मैं यहाँ पर इस एरो फंक्शन के अंदर क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पर लिख दूंगा प्रॉप्स डॉट शो अलर्ट्स डिलीटेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो यहीं पर मैंने इस एरो फंक्शन के अंदर ही लिख दिया प्रॉप्स डॉट शो अलर्ट डिलीटेड सक्सेसफुली। तो मैं डिलीट कर रहा हूँ, अपडेट कर रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ, ये दोनों काम ही कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं अपडेट करूँगा, तो जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया, अपडेटेड सक्सेसफुली आ गया, जो कि ऐसे नहीं आना चाहिए था। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर लिखना पड़ेगा अपडेटेड सक्सेसफुली, ना कि वहाँ पर। तो मैं अपडेटेड सक्सेसफुली यहाँ से हटाऊँगा, यहाँ से मैं हटा दूंगा, ठीक है। और अब मैं अगर यहाँ पर क्लिक करता हूँ, वापस से अपडेटेड सक्सेसफुली लिख कर आ गया, जबकि मैंने अपडेट नोट पर क्लिक किया भी नहीं। अब डिलीट नोट पर क्लिक किया तो डिलीटेड सक्सेसफुली आ गया। तो मुझे ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि ऐसा क्यों हो रहा है, जब नोट अपडेट में कर रहा हूँ तब यहाँ पर आना चाहिए अपडेटेड सक्सेसफुली। तो मैं यहाँ से निकालूंगा इसको, और ये हैंडल क्लिक जो है इसका, ये वाला हैंडल क्लिक वाला फंक्शन, इसके अंदर मैं डालूंगा। शायद मैं इसको अच्छा नाम दे सकता था, हैंडल क्लिक को। अब मैं एडिट करूंगा, जैसे ही मैं अपडेट करूंगा, देखो अपडेटेड सक्सेसफुली, डिलीट करूंगा डिलीटेड सक्सेसफुली। मुझे एक एडिट सक्सेसफुली भी रखना चाहिए ताकि मैं ऐड करूं नोट तो एडिट सक्सेसफुली लिख कर आए। तो ऐड कहाँ पर कर रहे हैं हम नोट, ऐड नोट में कर रहे हैं। तो मैं जल्दी से देखता हूँ ऐड नोट कहाँ पर है हमारा,
तो ऐड नोट हमारा कंपोनेंट यहाँ पर है, और इसके भी प्रॉप्स के अंदर मैंने सेट अलर्ट भेजा हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा एडिड सक्सेसफुली। तो अब हम जैसे ही ऐड करेंगे नोट्स को, तो एडिट सक्सेसफुली लिख कर आ गया, ठीक है। तो सारे के सारे अलर्ट्स अभी अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। बस एक चीज़ मुझे यहाँ पर करनी है कि जैसे ही लॉग इन साइन अप यहाँ पर मैंने कर रखा है, एक बार इंसान लॉग इन हो जाता है तो मैं उसको लॉग आउट करने का ऑप्शन दूंगा, ना कि फिर से लॉग इन साइन अप का। तो आने वाले वीडियोज़ में हम लोग यही काम करने वाले हैं, और अगर आप लोगों ने अभी तक ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो इसको ज़रूर एक्सेस करना। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।